एक बहुत ही अपने आप में, इसको मैं कहूंगी सुपर मोटिवेशन। कोई भी भारत में रहने वाला स्टूडेंट, हम जो वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूं, इससे मोटिवेशन ले सकता है। और जब भी उसको जिंदगी में लो फील हो, उसे लगे कि वो जिंदगी में हार गया है, निराशा ने उसे घेर लिया, वो हताश फील करे, तो इस वीडियो को देख ले। इस वीडियो को देखने वाला एक भी बच्चा, मैं 100% श्योर हूं, डिमोटिवेटेड फील नहीं करेगा। इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण हमारे बीच में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलात पर फतेह हासिल की और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इस दुनिया के सामने कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं भी हैं, आप मेंटली अगर स्टेबल हैं, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आज हमारे बीच में है अंकुश, हमारा एक स्टूडेंट जिसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि ये मान लीजिए कि जीरो से उठ के आज उसके हाथ में एक सरकारी नौकरी है। और नौकरी से बड़ी बात है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और उसका सपना है जिंदगी में बहुत आगे तक जाने का। अभी सपना रिवील नहीं करूंगी, लेकिन इतना कहूंगी कि उसकी पहली जो एक मंजिल है, एक प्लेटफॉर्म, वो उसने तैयार कर लिया। चलिए मिलवाती हूं आपको अंकुश से। हेलो। अंकुश, एक बार साउंड चेक करना। अंकुश और ये हमारा स्टूडेंट शिव, दोनों अच्छे दोस्त हैं। इनका एक फोटो भी हमने पीछे लगाया था। शिव, वो फोटो कहाँ खींचा गया था? वो वहां करनाल खींचा गया। अच्छा, करनाल में। अंकुश बताओ जरा अपने बारे में, कितनी तुम्हारी एज है और क्या तुमने अचीव किया है? हेलो, मेरा नाम अंकुश है, गांव खेड़ी मटवा, जिला कैथल ब्लॉक पुंडरी। कैथल पुंडरी से तुम हो? यस मैम। ठीक है। और मैंने 12वीं तक पढ़ाई की, अभी मैं अंतिम वर्ष की ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बाबू आनंदराव जनता कॉलेज से। और मेरा पढ़ते पढ़ते डिग्री के साथ मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। गवर्नमेंट जॉब मिल गई। यस मैम। अंकुश, क्या फिजिकल प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? ये बचपन से ही है और क्या दिक्कत है ये? नहीं, ये बचपन से मैम, जैसे मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त भी मेरी एक बाजू और एक टांग टूटी हुई थी। टूटी हुई थी? यस मैम। अच्छा, बर्थ के टाइम पे कुछ, मतलब बोन्स में कुछ प्रॉब्लम थी? यस मैम। अच्छा, फिर? तो फिर उस दिन से और आज तक 35 से 36 बार हड्डियां टूट चुकी हैं। मतलब हड्डी टूट कैसे जाती है? अपने आप ही? ब्रिटल बोन है मैम। अच्छा, जैसे ब्रिटल बोन डिजीज है ये? यस मैम। जिसमें हड्डियां अपने आप टूटती यस रहती मैम, जैसे कोई झटक दे बच्चों को तो वहीं से क्रैक हो जाती है। अच्छा, यस मैम। तो इसका कारण क्या बताया डॉक्टर्स ने? इसका मैम बीमारी तो पता नहीं मैम, पता नहीं चल पाया। यस मैम, वो डॉक्टर ने बोला कि ये रेयर डिजीज है, ये किसी। अच्छा, इक्के दुक्के लोगों को यस होती मैम। है। तो जब हड्डी जैसे टूट जाती है कहीं भी, तो उसके लिए फिर कैसे, उस पर प्लास्टर व्लास्टर चढ़ा के ठीक करवाना पड़ता है, इलाज चलता होगा? यस मैम। तो बचपन से तुम बता रहे हो 35 बार ऐसा हो चुका, यस मैम, तो पढ़ाई का बहुत सारा समय तो तुम्हारा इसी चीज में चला गया होगा, यस है ना, मैम, मेडिकल इशू में। यस मैम। फिर ये इतना दमखम कहाँ से आया? तुमने कैसे सोचा कि मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना है, अपनी किस्मत से लड़ना है? किस्मत ने तुम्हारे ऊपर एक तरह से, भैया ये फिजिकली भी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली भी बहुत वेल ऑफ नहीं थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मैम फेरी का काम करते हैं। फेरी का काम करते हैं? रेहड़ी बजाते हाँ, रेहड़ी लगाते हैं, फेरी का काम करते हैं। यस मैम। तुम यहाँ तक पहुंचे, उसमें फिर जैसे अब तुम आज कामयाब हो, तो कैसे पढ़े और कैसे ये सोचा कि मुझे पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, मैं बोझ नहीं बनूंगा माँ बाप के ऊपर? देख मैम, मुझसे कोई भी फिजिकल काम तो होता नहीं और आगे भी नहीं होगा मैम, तो पढ़ने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। कोई रास्ता था ही नहीं? नहीं मैम, तो मैंने पढ़ाई को चुना। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत लोग तो तुम्हारी ही तरह की कोई डिसेबिलिटी हो तो गलत रास्ता भी चुन लेते हैं, वो जिंदगी से हताश हो जाते हैं कि भैया जिंदगी में कुछ है नहीं, तो मरने का एक उपाय हो सकता है या कुछ गलत नशे की आदतें पकड़ लेते हैं। तुम पढ़ाई की तरफ मुड़ गए, कितनी दिक्कतें आई स्कूल में? कॉलेज तो तुम कह रहे हो गए ही नहीं ना, तो स्कूल में क्या दिक्कतें आई थी जब पढ़ते थे? हाँ मैम, एक दोस्त था मैम, वो मेरी हेल्प करता था, बैग वगैरह वही लेके जाता था। अच्छा, दोस्त ही बैग ले जाता था? यस मैम, जैसे घर वाले स्कूल में छोड़ के जाते थे तो जैसे कि बेंच पे रखना, जैसे टीचर बाहर बैठा लेते थे तो वही बैग लेके जाता था, वही मुझे लेके जाता था। तो अच्छा, दोस्त ने पूरा साथ दिया, अंकित गढ़ता नाम है। अंकित नाम है उसका? यस मैम। अंकित, अगर मेरी ये वीडियो देखो तो बेटा बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और तुमने जो किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। और मैं भी बात यही कर रही थी कि ईश्वर हर जगह खुद तो नहीं आ सकते, वो इंसानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। तो अंकित, तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया बेटा। अंकुश, दोनों की नाम की राशि भी एक ही है, इसके भविष्य को संवारने में। अंकुश, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बातचीत करके। अंकुश के पिताजी भी हमारे बीच में हैं। सर, आप इस तरफ आ जाएंगे तो आपकी आवाज मुझ तक शिफ्ट, तुम उधर शिफ्ट कर जाओ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर?
शिषपाल जी, कौन से गांव से हैं सर आप? गांव खेड़ीवटवा, जिला कैथल से जी। सर आपका बेटा 23 साल का हो गया, आप अब तक भी इसको गोद में लेके जो है जगह जगह जाते हैं, तो एक नॉर्मल पिता के लिए तो ये बड़ा, जब ये जन्म लिया होगा इसने, तो बड़ा एक टेंशन का रहा होगा कि भाई बेटा जो है अब मैं कैसे, इसको डॉक्टर्स ने बताया कि इसको बड़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज है और इसका इलाज भी बड़ा मुश्किल, 35 बार बता रहे हैं हड्डियां टूटी, तब सर कितनी बार आपका मन टूटा कि भाई बच्चा है अब मैं इसको कैसे पाल पोस के, एक जिम्मेदारी भर कि भाई पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? नहीं ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि बेटा कमजोर है, टूटा है, तो जब लड़के ने बताया कि एक टंग एक बाजू टूटी हुई थी, तो हम करनाल डॉक्टरों के पास ले गए। अच्छा, वहाँ डॉक्टरों की मीटिंग बैठे, डॉक्टरों ने बताया कि ये लाखों हजारों में कोई एक ही बच्चा है ऐसा जिसके ये बीमारी से ये हड्डियां टूट गए, मतलब उनके कह 10-11 साल तक तो ऐसे ही रहेगा, टूटेगी जुड़ेगी उसके बाद तो सेट हो जाएगा। ठीक है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पे। जी 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 सर, बड़ा अच्छा लगा ये शब्द सुन के, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको जो है गर्व है अपने बेटे पे। हाँ जी, कि ये पढ़ लिख के दोनों लड़के, बड़ा गर्व है और इस पे सबसे ज्यादा गर्व है जो इसने सर अचंभा, मतलब दुनिया जो अचंभित है आपके बेटे को लेके कि इसने कैसे पढ़ाई कर ली, नहीं तो बहुत लोग तो निराशा के ऐसे गर्त में डूब जाते हैं कि वापस आ ही नहीं पाते हैं। तो सर आपका कामकाज जो है क्या करते हैं आप? कामकाज तो अपना यही फेरी का है, डैडी के पास जी। तो बच्चे को जगह जगह लेके जाने की जिम्मेदारी आप ही की रही होगी, स्कूल में जब पेपर हुए होंगे कहीं बाहर जाना पड़ा होगा? बाहर जाना कब तो मेरा है, और गांव में स्कूल में ले आने का इसकी मम्मी का और इसकी दादी का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है जी। और जो बाहर करनाल चंडीगढ़ जहाँ लेके जाता था वो मैं लेके जाता। जब इसने कहा कि मैं कॉम्पिटेटिव पेपर की तैयारी करूंगा, तब आपने फिर क्या कहा? मैंने कहा बेटा तुम कर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं कहीं भी हूँ जी, आपका पेपर दुआऊंगा। जिस दिन भी पेपर हुआ तो सर आप अपना काम छोड़ के आते थे? काम छोड़ के मैं इसके पास आता था, ले जाता सर, नगर अम्बाड़ा कहीं भी हूँ जी, इसको लेके जाता था। आपने भी सर एक संघर्ष का दौर देखा, अपने बच्चों को पाल पोस के इतना काबिल बनाना, और तब जबकि प्रकृति ने कहीं ना कहीं अन्याय किया था, तो आपने पिता के रूप में एक संरक्षक के रूप में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सर आपको देख के बहुत सारे पिता जो बच्चों को परेशान करते हैं, कई बार पढ़ने नहीं देते हैं, उनको भी एक सीख मिलेगी कि देखिए अंकुश की शारीरिक जो क्षमताओं में कमी थी, वो पिताजी ने एक दीवार की तरह अंकुश के सामने अड़के कहा कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं फेस करूंगा, तू पढ़ ले, जहां तू पेपर कहेगा दिलवाने के लिए वहां लेके जाऊंगा। सर इसको अभी भी आप गोद में कैरी करके चलते हैं, तो अब ये हरियाणा में एक बड़ी खबर बनी थी, अखबारों तक ने कवरेज दी, कैसा लगा सर आपको? मुझे बहुत खुशी हुई है जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई है जी। आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो बता रही है कि आप दिल से बहुत खुश हैं सर, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अंकुश की माता जी भी हमारे बीच में हैं, इनसे भी बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंकुश के पिताजी बहुत ज्यादा ऐसे पढ़े लिखे नहीं है, वो बता रहे थे 5th क्लास तक की उनकी पढ़ाई है, 5वीं क्लास उन्होंने पढ़ी है, माताजी भी 5वीं क्लास ही पढ़ी है, लेकिन आप देखिए ये दोनों मोटिवेशन की एक खान है अपने बेटे के लिए। इन्होंने अपने बेटे को कभी ये बार बार फील नहीं कराया कि तू जो है दिव्यांग है या तू कुछ कर नहीं सकता है, इसने जब जो कहा इन्होंने आगे अड़के कहा कि ठीक है तू कर ले, हम तेरे साथ हैं। चलिए माताजी अंकुश की हमारे बीच में है, आपका शुभ नाम? डिम्पल। हाँ जी डिम्पल। डिम्पल डिम्पल जी, आपका जब ये बेटे का जन्म हुआ तो बहुत सारे औरतें, आदमियों को तो खैर नहीं सुनने को मिलता, औरतें तो सुनती हैं ताने, तब बहुत सारे लोगों ने आके ताने मारे होंगे कि ये क्या हो गया, अब आगे कैसे क्या करेगी? हाँ जी बहुत, स्कूल में जाने लगी थी ने छोड़ने, तो बस लेके जाती न लेके जाती गोद में, तो औरता बोलती थी कैसे ले जाइए, क्या करेगा ये, न्यू करेगा क्या करेगी इसको पढ़ा के, तो मैंने बोलिया ये मेरी जिम्मेवारी है लेजनी लियानी, अपने जगह पारा पकड़िया। मतलब ये बहुत बड़ा जज्बा चाहिए, नहीं तो औरतें जो है मन तोड़ देती हैं कि कहाँ रोज इस बच्चे को लेके जाएगी, ये कौन सा अफसर बनेगा। मैंने किचड़ उठाई जी, किचड़ उठानी है जी, मैंने पढ़ाना अपना अपना। नहीं आपने बहुत मेहनत की, कहते हैं पहला गुरु जो होती है ना वो माँ होती है, तो इसका पहला गुरु आप हैं। इसके अंदर जो ये इतने एक है ना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, इसका कारण कहीं ना कहीं आप भी हैं। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी होगी क्योंकि इसको तो सारे काम आपको करने पड़ते होंगे, खतरे भी देना पड़ता है जी पानी। हाँ वही ना, सारे काम जो है इसके करने पड़ते हैं, देने बाड़े में ले जाना, बिल्कुल सारे काम आपने किए, तो बहुत अच्छा। आपने ये जो है संघर्ष आपने भी देखा बहुत लंबा, और इसके पिताजी ने भी देखा, आप दोनों ने मिलके इतने अच्छे संस्कार इसमें भरे,
इतना कॉन्फिडेंस इसमें भर दिया कि अब ये बच्चा दुनिया के सामने आज इतना लायक है कि बहुत बच्चे से मोटिवेशन ले रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? वो औरतें जो औरतें ये कहती थी कि अब क्या करेगी इसको पढ़ा के, अब उनको जवाब मिल गया? अच्छा, बधाई देने आती हैं। अब वो सोचती तो होंगी कि हमने भी अपने बच्चे पढ़ा लिए होते तो अंकुश की तरह आज हम भी उसकी माता जी की तरह खुश होते। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुश के ताऊ जी और ताई जी भी हमारे बीच हैं, आप भी आ जाइए। ये देखिए, एक बच्चा एक नहीं होता, परिवार जब पीछे से एक ताकत होती है ना परिवार की, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। अंकुश इसका जीता जागता उदाहरण है, हमारे सामने प्रत्यक्ष है ये कि हाँ, अंकुश के पीछे एक ऐसा परिवार खड़ा था जिसने कभी इसकी कमजोरियों को हीनता में नहीं बदलने दिया, इसकी कमजोरियों के आगे वो दीवार की तरह खड़े रहे कि हम पीछे, अंकुश तो बाद में फेस करेगा, पहले हम हैं। इसकी माताजी इस बच्चे को गोद में लेके जब निकलती थी तो लोग हंसते होंगे, कहते होंगे ये इसको पढ़ा लिखा के कहां लगवाएगी। आज इनकी माताजी देखो कितना प्राउड फील कर रही है। चलिए मिलते हैं अंकुश की ताई जी से। हां जी, आपका शुभ नाम? राजरति जी। आप जो है, कितनी खुशी हो रही है आज आपका जो है? खुशी है जी, हमारे अपने पुत्र पे खुशी है आपको? बहुत। चलिए, इसने भी आपका नाम रोशन कर दिया। जी जरूर रोशन कर दिया, बिल्कुल। ताऊ जी ताई जी को तो पहली बार कोई बच्चा लाया है, इसका मतलब अंकुश को खास लगाव है अपने ताऊ जी और ताई जी से, है अंकुश? कहीं ना कहीं इनका भी एक रोल है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलिए ताई जी से मिल लिए, ताऊ जी से भी मिल लेते हैं। सर आप भी, बहुत सारे बच्चे जो है ना चीजों को देख देख के ही सीख जाते हैं। आपका शुभ नाम सर? नमस्कार जी, राजपाल प्रजापति जी। राजपाल प्रजापति जी, सर आप जो है, अंकुश बता रहे थे कि जब भी आप जाते थे गांव में तो अंकुश से मिलने जाते थे, तो सर ये लगता था आपको कि बेटा जो है इतना पढ़ता है लिखता है तो एक दिन इसकी किस्मत जो है जरूर पलट जाएगी और कामयाब हो जाएगा? इसके जाते थे ना गाँव में हम जी, तो सबसे पहले इसका पता लेके आते थे भाई अंकुश कहाँ है। अच्छा, ये हमारा चौधरी है। अच्छा, इसको डिमोलाइज नहीं होना दिया कभी भी, ये अपने आप को सोचे कि मेरे पीछे कोई नहीं है। जी, तो मैं सोचता मेरे पीछे है, अब पापा नहीं है तो ताऊ जी है, बिल्कुल तो मेरे पीछे है, तो मैं इसका चौधरी घबरा मत कर तू अपनी। अच्छा, आप इसको प्यार से चौधरी कहते हैं? हाँ। तो अंकुश तुम्हारे अंदर जो ये वो चौधराहट वाली जो फीलिंग है वो तुम्हारे ताऊ जी ने ही भरी लगती है। बहुत बढ़िया सर। सर कोई मैसेज दे दीजिए बच्चों को, बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को वो बहुत अच्छे होते हैं, सक्षम होते हैं, लेकिन कह कह के ताने मार मार के उन बच्चों को बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड रखते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी उम्र भाग गई, तूने कुछ नहीं करना, पैसा बर्बाद करना है। ऐसे माँ बाप को क्या मैसेज देंगे? मैम की मैसेज जो है कि पहले हालात का है जी, जिस हालात में हमने बच्चों को पढ़ाया है जी, तो वो हमारे लाइफ में अनुकूल नहीं था जी, मैं एनवायरमेंट स्कूल का और ना ही फाइनेंशियली। अच्छा, फाइनेंशियली भी बहुत, अब देखिए पैसा तो बहुत ज्यादा था नहीं। हाँ, ये बात तो जानते थे, कमजोर है जी, अंकुश जी। चलो मेरा थोड़ा सा काम सेट हुआ है जी, तो अभी अंकुश अभी फाइनेंशियली अब स्टेबल हो गया, स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन एक विल पावर बच्चों के अंदर शुरू से हम भर के रखते हैं जी, जो भी काम करो उसके मास्टर बनो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया लाइन है सर ये, उसके बीच में मत छोड़ो। दोनों भाई ये और एक इनमें बड़ा भाई खिलाड़ी था, वो आर्मी सेट हो गया, छोटा भाई एमफिल किया उसने जी, डीयू से, और एक गुड़िया है पहलवान है, वेट लिफ्टर है जी। भाई जो काम करो तो उसको गज के करो, मतलब एक्सीलेंस की कोशिश करो, काम कोई छोटा नहीं है। बिल्कुल सर, ये इनके माइंड में हम डाल के रखते हैं जी, जो आप काम कर रहे हो उसको बस सफलता की तरफ देखो, नीचे की तरफ मत देखो। बिल्कुल सर, आप लोग पांच भाई हैं बता रहे थे जी, आप में से कोई है सरकारी नौकरी पर? नहीं जी। तो ये आपकी पीढ़ी में ये जो बच्चे हमारी हैं, पीढ़ी में अच्छा आपकी पीढ़ी में कोई सरकारी नौकरी पर नहीं था, तो ये पीढ़ी जो आपकी आई है इनमें आप लोगों ने इतने अच्छे संस्कार भरे कि सारे भाई बहन जो हैं वो पढ़ लिख भी गए और जिंदगी में एक मुकाम तक भी पहुंच गए, इन्हीं को सर संस्कार कहते हैं। ये श्रेय हमारी माता जी और पिता जी को जाता है। अच्छा, जो आपकी माता जी है इनकी दादी मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने क्या था, उनका जो काम था ना बर्तन बनाने का था। अच्छा, बर्तन बना के अपना गुजारा करने का, और जैसे भी मजदूरी टाइप काम था जी, जी जी, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि भी हमारे बच्चे ऐसा मत करे, वो पढ़े, लेकिन हम इतने सफल नहीं हो पाए जितना सफल हो पाए, लेकिन उसके अनुसार हमने काम किया जी,
मैंने प्लस टू की है, छोटे भाई कोई 8 कोई 10 ऐसे ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएशन से मैं उठ गया था जी। लेकिन जितना किया तो आज हमने आड़त की दुकान कर रखी है अपनी जी, कमीशन एजेंट की जी जी, केथल में निवास स्थान है, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्होंने हमको जो कुछ भी पढ़ाया ना तो वो हमारे काम आया। लेकिन उससे आगे हमने इनको फिर ज्यादा फोकस सर, वो एक्चुअली होता है ना, एक एक करके सीढ़ी बनती है। आपके माता पिताजी बिल्कुल निचली सीढ़ी पे थे, आप 2 कदम ऊपर गए, अभी बच्चे 4 कदम गए हैं, इनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इन लोगों को बेस जो है इन्होंने बना के दे दिया। अब यही है कि एजुकेशन ही है तो तुम बेस बना सकते, बेस जो अपनी कैटेगरी को बदल सकते हो, कि बेचारे कहलाने से भाई अच्छे बनने तक का सफर जो है वो एजुकेशन पूरा करा सकते। एक बार तो मेरे साथ मैम ने अपना किस्सा बताता हूँ जी जी जी। मैं हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में कंप्यूटर की नौकरी पे लग गया। अच्छा। डेली वेजेस पर जी। उन्हें 3 महीने के लिए मेरे रखा और 70 दिन बाद बोले कि भाई तुम रिजाइन दे दे, तुम केस डालेगा हमारे पर जी। मैंने उसको कहा कि सर मुझे जरूरत है, आपकी डेली वेज 60 रुपये 50 रुपये मिलते थे उस समय जी, ये काफी पुरानी बातें हैं, तकरीबन ये 93-94 की बात है जी। तो बोला जो मैनेजर था उन्होंने बोला बेटा ये गरीबी ना इस देश में कलंक है। तो मैम वो मेरे ना जहन में उतर गया जहर की तरह एकदम से वो शब्द। तो मैंने कहा कि वो रिजेक्शन रिजाइन लेटर मैंने फाड़ के वहीं रख दिया, आप केस से निर्भीक हो, लेकिन मैं किसी के पास नौकरी मांगने नहीं जाऊंगा, मैं पहले गरीबी ही हटाऊंगा। अच्छा, वो एक बात आपको पिंच कर गई कि भाई देश पे कलंक है तो मुझे गरीबी हटानी है। हाँ, मैंने गरीब कहना ही नहीं, मैं गरीब हूँ, मुझे काम दे दो, मैंने अपना ही काम करना, इतने संघर्ष दिन रात मैंने संघर्ष किया है जी। और बच्चे एक देखो पहलवान है, एक एथलीट है, फौजमद है, एमफिल हाँ, वो बता रहे थे एलओसी पे पोस्टेड है अंकुश का भाई ना, अभी डीयू से मैंने छोटे बेटे की कराई है, ये बेटे है, सबको एक मोटिवेशनल देते है पढ़ो, पढ़ाई है जो आपकी कैटेगरी बदलती है, आपको एक मतलब बेचारे वाली उससे उठा के और अच्छे खासे काम काज तक अच्छा पहुंचा लगता, कोई उसको भी कहे तो बेचारा है। नहीं नहीं नहीं, बेचारा तो फिर वही बात है कि धब्बा है बेचारे की, माइंड अपना सेट है ना, तो हम बेचारा गरीब नहीं हुए जी जी जी, अपनी मेहनत से करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बच्चों को मैसेज दिया। अंकुश तुम भी एक मैसेज बच्चों को दे दो, जो बच्चे कहते हैं कि हमारे हालात खराब हैं, भाई हमारे घर में जो है गरीबी है, या कोई कहता है कि मेरे पिताजी जो है वो पैसे नहीं देते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो सच में दिक्कतें हैं इस तरह की समाज में, या वो दिक्कत मान के बैठे हुए हैं बच्चे? देखिए मैम, मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि दिक्कत होती है वैसे, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी दिखाओ करते हैं लोग। ओवरटेक उससे ऊपर, हाँ, उसको मतलब जो है दिक्कत उसको एक्सेप्ट करो और उस पे आगे बढ़ो, है ना, बजाय उसका रोना रोते रहें कि भैया ये है ये है ये है, तो उसका वो भी मैम सोल्यूशन भी मैम। बिल्कुल, जब दिक्कत है तो सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन ढूंढने वाला माइंड बनाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा अंकुश से बात करके। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उनकी माता जी पीछे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी का तो कोई कॉल आ गया है, ठीक है सर, शिव के साथ बातचीत करेंगे, जब वो जिस दिन शिव जो है शिव का दोस्त है, हाँ, वो बातचीत कर लेते हैं। शिव तुम्हें अंकुश कहाँ मिला पहली बार? मुझे ये पहली बार करनाल मिला था। करनाल, फिर? और ये उस टाइम पर मिला था मुझे जो एक कहते हैं ना, जो इंसान की लाइफ में बिल्कुल डाउन फेज था, मतलब ये सोचता था चलो अब क्यों ना मतलब पढ़ाई छोड़ के कुछ और कर ले, उस सोच में था। ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम टीचर्स के भी टच में रहा था, वो भी रहा, फिर इससे मिलने के बाद कुछ अलग सी फील हुई है कि अगर ये अब भी कोशिश कर रहा है तो फिर मैं क्यों छोड़ दूं। उस दिन तब से मतलब यो 1-1.5 साल का जो टाइम पीरियड लगा है, इसने मतलब इसकी मोटिवेशन जो मेरे अंदर उतरी है उसने काफी साथ दिया है, और आज मैं भी आपके आशीर्वाद से गवर्नमेंट जॉब पे, और ये भी हम दोनों दोस्त तुम लोग जो हो, बहुत अच्छा लगा शिव। कई बार देखा, कई बार होता है ना कि बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर काम नहीं कर पाते हैं, जहां अंकुश जैसे लोग भी एक काम कर जाते हैं। अंकुश ने अननोइंगली, इसको नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी एक रोल प्ले कर दिया कि भाई तुम जब डाउन फेज फील कर रहे थे तब इसको देख के तुम्हें लगा कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। आज शिव जो है अंकुश के लिए चॉकलेट लाया है, डेरी मिल्क की चॉकलेट अंकुश को शिव ने ही दी है, तो बहुत बढ़िया, दोनों की दोस्ती ऐसी बनी रहे। और जो लोग डीमोटिवेशन फील करें वो इस वीडियो से सीखें कि कैसे जिंदगी में खराब चीजों से भी ओवरकम किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा सबसे बातचीत करके।
तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है अंकुश. ऐसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत लोगों के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हर इंसान सीख सकता है. गांव में बैठा, पिछड़े गांव में बैठा कोई गरीब आदमी जो जो शरीर से सक्षम नहीं है, कोई भी इस तरह का जिसके साथ कोई भी कितना ही बड़ा इशू हो, इससे बड़ा इशू क्या होगा? गरीबी भी, ऊपर से शारीरिक अक्षमता भी थी. दोनों चीजों से ओवरकम करके आज ये एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में लोग जो है इनके घर आ रहे हैं, बता रहे थे वो लोग, इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, टीवी चैनल्स वाले आ रहे हैं, अखबारों वाले आ रहे हैं. तो कितना बड़ा दिन है. इस बड़े दिन को पहुंचाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए अंकुश ने जी जान लगा के दिन रात मेहनत की और तब यहां तक ये पहुंचा. चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे सब लोगों से बातचीत करके. परिमल सर जुड़ेंगे. अंकुश और मैं तो जो है लॉकडाउन में दोस्त बन गए थे. हम लोग खूब बातें करते थे. बीच बीच में जो है मोटिवेट होता था, तो बीच बीच में जो है डिमोटिवेट भी होता था. बीच बीच में फिर बातें करता था, सर मेरी कॉपी देख लो, मेरी कॉपी सही है कि नहीं है. पर इसने जो ना बहुत बातें, बहुत ज्यादा शानदार अच्छी अच्छी बातें बोली कि बीच में नहीं छोड़ना, बस एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरा जो है करके ही जाना है. और अंकुश ने आज वो कर दिखाया. और मैंने जो इसको प्रॉमिस किया था कि जिस दिन ये नौकरी लगेगा मैं इसके घर आऊंगा और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा, पर इसने जो है मुझे बहुत अच्छे तो पेड़े खिलाए और बहुत अच्छा गाजर का हलवा घर का बना हुआ. और अब ये बड़ा खुश है. क्यों भैया, कितना खुश है तू? बहुत खुश. चलो अब तेरे कमरे में आऊंगा, वहीं पर फोटो भी लेंगे फिर, है ठीक. कब तक होने की उम्मीद है ज्वाइनिंग, ये नहीं पता अभी. वैसे ज्वाइनिंग तो हो गई ना 15 अप्रैल. चलो सैलरी तो आनी चालू होगी, डिपार्टमेंट मिल जाएगा. चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकुश, तुम स्क्रीन पर हो, हेलो कर दो सबको एक बार. ठीक.